सो फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ एक्वाफिनस्केप में, जो कि लोकेटेड है गीता कॉलोनी में। और इनके यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वारंटाइन फिश हैं मिलेंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें गोल्ड रखी हुई हैं, काफ़ी बिग साइज़ की हैं। इसमें सारे एक्वेरियम में प्राइस लगे हुए हैं साइड में, जिस में आपको नहीं मिलते हैं प्राइस, उसमें उसके लिए आप इनको कॉल करें और सारे फिशेज़ के डिटेल आपको ये कॉल ऑन कॉल दे देंगे। इसमें रेनबो शार्क रखी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, इनकी सारी फिश क्वारंटाइन है, प्रॉपर एक्टिव और अच्छी क्वालिटी में मिल रही हैं, जैसे कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। और इसी के साइड में आपको एल्बिनो रेनबो शार्क के साथ ब्लैक मोर गोल्ड भी अवेलेबल है इनके यहाँ। इनके पास आपको एक्वेरियम का A to Z सारा सामान मिलेगा, जैसे कि टॉयज़ हो गए, फूड हो गया, मेडिसिन हो गए, लाइव प्लांट्स हो गए, इवन ये आपको एक्वेरियम भी बना के देते हैं। इसमें कुछ गोल्ड पड़ी हुई हैं इम्पोर्टेड, और उसी के साथ शार्क भी रखी हुई हैं। तो इसमें लीची गोल्ड और अंडा गोल्ड रखी हुई है, और उसी के साइड में रेंचो गोल्ड है, प्लस सकर कैट है, और कुछ शार्क्स भी रखी हुई हैं। गाइज, अगर आपको इनके शॉप में जाना है तो निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट है, और वहाँ से आप इनको कॉल करेंगे तो ये आपको रिसीव भी करवा सकते हैं। इसमें गोल्ड रखी हुई है, प्लस लो शार्क रखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। गोल्ड भी इसमें काफ़ी हेल्दी हैं, आप देख सकते हैं। नीचे इनका पूरा बड़ा सा ह्यूज टैंक था, जिसमें सारे सिरेमिक स्टोन्स रखे हैं और लाइव प्लांट भी रखे हुए हैं। इसमें कुछ किसिंग गुरामी रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज साइज में हैं। और इसी के ऊपर आपको चिकलेट्स भी मिल जाएंगे। तो ये इनका प्राइस है, और ये चिकलेट्स हैं, काफ़ी कलरफुल होती हैं ये फिश। आप अपने एक्वेरियम में इसे रख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा आपका एक्वेरियम। और इसके साइड में कुछ मालवी चिकलेट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेड है। तो ये सगर कैट्स हैं, और ये है मालवी चिकलेट्स, जो कि इम्पोर्टेड होती हैं। ये जब पूरे प्रॉपर साइज में आती है तो इनके बहुत कलर बहुत ब्राइट हो जाते हैं, और वाइब्रेंट कलर में मिलती हैं आपको, हर कलर में मिल जाएंगी आपको ये। ये कुछ उनका प्राइस है। ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न है, ये भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो कुछ इसमें मीडियम साइज़ के चिकलेट्स भी थे, मालवी चिकलेट्स, देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं और प्रॉपर कलरेशन है उनमें। इनके एक्वेरियम प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं, जिससे फिश भी हेल्दी रहती हैं। ये नियॉन आकार है, इनका पूरा नया स्टॉक आया हुआ है और काफ़ी एक्टिव है, आप देख सकते हैं पूरा स्टॉक, और प्रॉपर कलरेशन दिखा रहे हैं फिशेज। इससे पता चलता है कोई भी फिश स्ट्रेस में नहीं है, क्योंकि अगर आपका वाटर क्वालिटी अच्छा होगा तो फिश स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होती, और अगर आप प्रॉपर क्वारंटाइन करते हैं तो फिश हेल्दी भी रहती हैं। इसमें कुछ पाकूस हैं, और ये है इनके ऑस्कर का टैंक, जिसमें हर वैरायटी के ऑस्कर्स रखे हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है इनकी शॉप की कि आपको एक ही रूफ के नीचे आपको एक्वेरियम का सारा A to Z सामान मिल जाएगा। इसमें कुछ पोलर पैरट्स थे, देख सकते हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव है। अभी ये एक दो दिन ही हुआ है स्टॉक आया हुआ, और सारे फिश एक्टिव हैं। ये उनका प्राइस है। उसी के साइड में ये ऑस्कर बेबीज हैं। देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं। और उसके साइड में ये रेड शिप्रेम है, ये भी इम्पोर्टेड है। तो आपको जो जो फिश का प्राइस आपको पता करना है, आप इनको कॉल करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये भी चिकलेट्स की वैरायटी है एक, तो जो मेरे दोस्त हैं जो इनको चिकलेट रखना पसंद है, वो यहाँ से यार ईजीली आके परचेज कर सकते हैं। इसमें
सिल्वर डॉलर रखी हुई है, और ये उसका प्राइस है। ये पाकूज है, एल्बिनो पाकूज, ये भी अरवाना फिराना की उसमें आती है फैमिली में, पर ये इतनी एग्रेसिव नहीं होती, तो ये आप अपने मॉन्स्टर टैंक में रख सकते हैं। इसमें भी फिश हैं, देख सकते हैं कोने में छुपे हुए हैं। इसमें मिल्की काप रखी हुई है, और इसमें कैटफिश रखी है, रेड टेल कैटफिश। इसमें वाइट और एल्बिनो कैटफिश रखी हुई है। ये इनका टेट्रा का टैंक है, इसमें बेटा की फीमेल भी आपको इनके पास अवेलेबल हो जाएगी। आपको इनके पास आलमंड लीव्स मिल जाएंगे बेटर्स के लिए, और इसमें एप्पल स्नेल रखे हुए हैं। जिन जिनको अपने एक्वेरियम के लिए स्नेल चाहिए वो यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। ये एल्गी ईटर्स होते हैं प्रॉपर। ये रेनबो फिश है, और इसी साइड में क्रैप भी रखे हुए हैं इनके पास, इम्पोर्टेड क्रैप भी है, कलरफुल वाइट है, ब्लू है। तो जिन फ्रेंड को मैं क्रैप परचेस करना है वो यहाँ से आके परचेस कर सकते हैं। इसमें कुछ शार्क के बेबीज रखे हुए हैं, टाइगर शार्क, और ये गोरामीज हैं। इसमें दो वैरायटी के गोरामी रखे हुए हैं, ये भी चिकलेट्स हैं। इसमें रैम फिश है, और बुस्मानी रेनबो फिश भी है। तो ये प्लांटेड टैंक का सेटअप के लिए ये टिम्फा वायर रखी हुई है, जो अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए फिश रखना चाहते हैं वो यहाँ उसका एक पूरा सेशन है। ये भी टेट्रा वैरायटी है, ये प्रॉपर स्कूलिंग करते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये रैम्स है, इसमें जर्मन रैम है, ब्लू रैम है, और ऑरेंज रैम भी रखे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं प्रॉपर फिल्टर सब कुछ रखा हुआ है इनके एक्वेरियम में। इसमें भी रेनबो फिश है, देख सकते हैं प्रॉपर कलर आ रही है उनके, और इसमें प्लांट्स रखे हुए हैं। इसमें एक घोस्ट फिश कहते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर आपको काफ़ी ब्यूटीफुल फिश मिल जाएगी। ये सबकी फेवरेट नियॉन टेट्रा, जो कि प्लांटेड एक्वेरियम के लिए मानी जाती है, बहुत ही सुंदर और स्कूलिंग प्रॉपर स्कूलिंग करती हैं। और इसमें भी टेट्रा रखी हुई है, तो देख सकते हैं आपकी सारी फिशेस आपको इसमें प्रॉपर एक्टिव मिलेंगी। ये एंजिस थी काफ़ी बड़ी ह्यूज साइज की, और इसमें काफ़ी सारे पेयर्स भी हैं। तो इसमें आपको हर तरह की एंजल मिल जाएगी आपको इनके पास, ब्लू एंजल, रेड डेविल, डायमंड एंजल, स्कार एंजल, सारे एंजल मिल जाएंगे आपको इनके पास। मार्बल एंजल भी है इनके पास, देखिए। कोई एंजल, सब सारी सब तरह के एंजल आपको इनके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसमें विडो टेट्रा, जो बच्चों की फेवरेट होती है, कलरफुल नियॉन विडो टेट्रास, ये सारे टेट्रा वैरायटीज हैं। ये इसमें बाब रखे हुए हैं, टाइगर बाब है, रोजी बाब है, ये उनके प्राइजेस हैं। और उसी के साइड में गप्पीज रखे हैं, ये सारे इम्पोर्टेड गप्पीज हैं, जो फ्रेंड कपी के शौकीन है वो यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। और ये नीचे कुछ मॉलीज प्लेटीज मिक्स रखी हुई थी, इसमें भी कपीज हैं, और इसमें ज़ेब्रा टैनियर्स रखी हुई हैं। आपके आपको इनके पास स्टोन्स भी मिल जाएंगे, हर तरीके के रॉक्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ सिल्वर अरवाना रखी हुई थी, तो आप देख सकते हैं ये आप छोटे से एक्वेरियम से लेके बहुत जाइंट एक्वेरियम तक आपको सेटअप करके देंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
और जैसे आप डेकोरेट करना चाहें। इसमें कुछ वुड्स रखे हुए हैं, ये कुछ टॉयज़ हैं जो आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। फिल्टर्स हैं, आपको इनके पास हर तरीके के फिल्टर्स, स्कैमर सब कुछ मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। एक्वेरियम के रिगार्डिंग आपको इनके पास ए टू जेड सारा सामान मिलेगा। ये फिल्टर्स रखे हुए हैं, प्लांट्स, इनर फिल्टर, हैंग ऑन फिल्टर, हर तरीके मिलेगा। ये फ्लावर हॉर्न रखे हुए थे इनके पास, फ्लावर हॉर्न की भी क्वालिटी देखिए आप। और इसमें एलिगेटर गार्ग रखा हुआ है स्मॉल साइज में। इसमें मेडिसिन हैं, आपको इनके पास बेटा की भी बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल मून बेटा है, हाफ मून बेटा है, नॉर्मल बेटा मिल जाएगी, क्राउन टेल मिल जाएगा, हर कलर कैंडी बेटा सारे मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। बेटा का भी कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छा है। क्राउन टेल है, ये कैंडी बेटा, और आपको आपको दिखाया था मैंने इसमें बेटा के फीमेल्स भी इनके पास। ये इसमें सिरेमिक स्टोन सब कुछ है, ये फूड है इनके पास, फूड की भी क्वालिटी और वैरायटी बहुत सारी है, हर वैरायटी के फूड इनके पास अवेलेबल है। सो हाय फ्रेंड्स, मैं इन भैया की शॉप पे आया हूँ। आपके शॉप का नाम? एक्वाफिन्स केव सर। और आपका ये नियरेस्ट एरिया कौन सा पड़ेगा? सर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगा अपना निर्माणगा रहेगा, और अगर एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ 546 झील कुरेजी रहेगी। ओके, तो मतलब कि आप अगर मेट्रो स्टेशन से कोई कांटेक्ट करें तो आप? जी जी जी, मैं गाइड कर दूंगा, बाकी लोकेशन मैं भेज दूंगा उनको व्हाट्सएप पे करें या कुछ भी। और नियरेस्ट अपना पुलिस स्टेशन रहता है किटागरोनी पुलिस स्टेशन, तो यहाँ के अगर मुझे कॉल करेंगे या एड्रेस मांगेंगे तो व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर दूंगा करंट लोकेशन। और गाइस, मैं आपको ये चीज़ और अपडेट करना चाहूँगा कि आपको जो भी आपको किसी का डिटेल्स चाहिए या प्राइसेस चाहिए, आप ये के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर नीचे डिस्प्ले में भी शो कर दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, इनके शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। और गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ के फिशेज काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, कि वीक में 2 या 3 बार इनके पास फिश होती हैं। आपको फ्राइडे सैटरडे में आएंगे तो आपको ईजिली आपके इनके स्टॉक कंप्लीट मिलेगा। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ भी ए टू जेड कुछ भी चाहिए हो फिश के रिगार्डिंग, आपको इनके पास शॉप और इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके पास आपको एक्वेरियम मिल जाएंगे, फूड मिल जाएंगे, फिल्टर्स मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो जरूर से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए। और थैंक यू फॉर एवरीवन, एक्वाफिन्स के पे आपका स्वागत। ओके, टेक केयर, बाय।